बोलो बोलो, एक घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक बात से सब प्रकार संस्कार है, एक बात सब प्रकार संस्कार है, एक बाप के सब प्रकार के संस्कार क्या हैं? अच्छा, कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके अपने अपने संस्कार होते हैं कि नहीं है? जैसे बिच्छू का संस्कार क्या है? है, डंक मारने का संस्कार है, वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। सांप का अपना संस्कार, तो कितने लाख योनियां हैं? हैं 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियों के संस्कार कौन सी मनुष्य आत्मा में होंगे? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माण किसके जिम्मे है? सारी मनुष्य सृष्टि का निर्माण कौन करता है? निमित्त कौन है? प्रजापिता। मनुष्य के सुधरने से सब प्राणी सुधर जाते हैं, और मनुष्य के बिगड़ने से सब प्राणी बिगड़ जाते हैं। मनुष्यों का बाप है प्रजापिता, तो सब प्राणियों के जो भी संस्कार हैं वो किसमें समाये हुए होने चाहिए? है, एक बाप में समाये हुए होने चाहिए। इस बात को न समझ पाने के कारण मनुष्यों ने कह दिया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। ये बात झूठ कह दी या सच्ची कह दी? हा? अरे कोई नहीं बोलता है, झूठी है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो 84 लाख योनियों से भ्रमण करती हो। है? अरे है या नहीं है? होनी चाहिए। एक ही आत्मा है जो 84 लाख योनियों के जैसे कर्म करने वाली है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या किया, क्या कह दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अब एक आत्मा संपूर्ण 100% आत्मा की बात है या सभी आत्माओं की बात है? हैं? एक की बात है, और फिर दूसरी बात क्या कह दी? आत्मा सो परमात्मा। ये भी गायन जो भक्ति मार्ग में है, आत्मा सो परमात्मा, ये सभी आत्माओं का गायन है या एक के लिए लागू होता है? हैं? एक के लिए लागू होता है कि वो एक आत्मा जो 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है वो ही पक्की पक्की आत्मा है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली जो परमात्मा का रूप धारण कर लेती है, सारा संसार इशारा करके कहता है परमात्मा। कौन सी आत्मा? छोटी मोटी आत्मा नहीं, क्या शब्द लगाते? परमात्मा। किससे भेंट की? अरे परम शब्द लगाया तो भेंट किससे की? हैं? आत्माओं से भेंट की, कि सब आत्माओं के मुकाबले
जो परम पार्टधारी है वो परमात्मा, और बाबा आजी मुरली में बोला है ये ब्राह्मण का फसल नहीं रहता आजी, तो ऑफिशियल सरकार में प्रजापिता के पास होता है। हाँ। ब्रह्मा माने अधूरा या ब्रह्मा माने संपूर्ण, कोई भी ब्रह्मा हो, ब्रह्मा अपूर्ण का नाम है या संपूर्ण देवता का नाम है, तो अपूर्ण को देखेंगे, उसका फोटो रखेंगे, दर्शन करेंगे तो याद आएगा या नहीं आएगा? तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? हैं? पतित बनेंगे, क्योंकि जानते हैं वो फोटो में तो सुप्रीम सोल बाप बैठा नहीं है, तो पतित बन जावेंगे। जड़ चित्र में बाप नहीं आता है, किस में आता है? चैतन्य में आता है। तो चैतन्य में साकार में निराकार को याद करेंगे तो पावन बनेंगे, नहीं तो चित्र रखेंगे, फोटो रखेंगे तो क्या बनेंगे? पतित बनेंगे। और अंति ओम मंडल है, अंति ओम मंडल क्या क्या रस है? अंति ओम मंडल, अंति ओम मंडल का क्या रस है? ओम मंडल, अंति ओम मंडल, अंति माने विरोधी, जो ओम मंडली के विरोधी पार्ट बजाने वाले हैं। ओम मंडली माने आ उमा, आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, ओ विष्णु, महेश माने मां, ये तीन अक्षरों से मिलकर के बनता है आउ मां। तीन अक्षरों से जिनका नाम लिया जाता है उनकी मंडली, जैसे संगीत मंडली होती है ना, तो कोई ढोलक बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, कोई मजीरा बजाता है, तो मंडली कहेंगे कि नहीं उसे? है ऐसे ही ये भगवान बाप की भी मंडली है। क्या नाम है? ओम मंडली। अब इनका विरोध करने वाले भी दुनिया में पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? वो एंटी ओम मंडली। और हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, काली दास का अर्थ क्या है? काली का जो दास बने सो कालिदास है, नाम ही है कालिदास। गोरी का दास या काली का दास है? काली का दास। हमें तो काली कलूटी ही अच्छी लगती है, तो उसको कहते हैं कालिदास। जो काली का दास होगा वो काला कलूटा बैंगन लूटा होगा या गोरा होगा? हैं? जरूर काला कलूटा बैंगन लूटा होगा। तुम्हारे उड़ीसा में यादगार रखी है कि नहीं है? रखी है। जब वो भी तमो प्रधान बनता है तो किसका दास हो जाता है? काली दास हो जाता है। विष्णु का आपको है? विष्णु का आपको विष्णु का विष्णु का विष्णु विष्णु का ऑक्यूपेशन, विष्णु का ऑक्यूपेशन पवित्र दुनिया की पालना करना, उनका यही धंधा है। हाँ, महाराष्ट्र जी ने रखा है बेलासन, इनका भगवत क्या है? बेलासन, बेलासन महाराज क्या है?
नहीं समझ आप बोलो ना उड़िए शब्द है क्या वो इतना बलशाली था जो कि उनको परीक्षा हुआ भगवान ने उनको परीक्षा दिया पूछा कि मैं कहा हूँ बताओ तो उनका अनिष्ट अंगुली में दिखाया तो भगवान ने पहचान लिया कि वो परम योद्धा है इसलिए उनको सिर को काट दिया तो उनका रहस्य क्या है ये तो बात ही नहीं समझ में आई पहले पूरी बात समझाओ क्या कथा कहानी है महाभारत में कथा आई है क्या कथा आई है भीम का एक बच्चा था उनका नाम घटोत्कच का तो नाम था भीम का बच्चा हाँ बेलारसन है तो कहीं महाभारत युद्ध में तो दिखाया नहीं गया है ये उड़ीसा वालों को ज्यादा पता है चलो पता लगाएंगे फिर बताएंगे हाँ। और अभी जो परिवर्तन के लिए वो जो साधु संत सब लगते हैं उस परिवर्तन के लिए साधु संत जो चलते हैं वो कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं वो तो दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आए जितने भी गुरु बन के आए वो सब ने ही कोशिश की अभी रामदेव जी जो कोशिश कर रहे हैं रामदेव बाबा जो कोशिश कर रहे हैं हाँ उनका क्या कि उनसे पहले कभी किसी ने आसन प्राणायाम नहीं सिखाए तो फिर वो पहले वाले जो सतो प्रधान पैदा हुए थे वो फेल हो गए तो कलयुग की दुनिया में तमो प्रधान दुनिया में जो पैदा हुए हैं वो पास हो जाएंगे बताओ ना राज्यसभा को परिवर्तन करने के लिए भी तैयार होते हैं दुनिया में जितने भी आए बड़े बड़े महात्मा गुरु बन करके धर्म पिता बन करके वो सब फेल हो गए कि नहीं तो ये कलयुगी गुरु ये पास हो जाएंगे ये कहां से पास हो जाएंगे और आंखों का देवी पवित्र है अरे इससे भी आंख लड़ाई ली उससे भी आंख लड़ाई ली उससे भी आंख लड़ाई ली उससे भी आंख लड़ाई ली कहते हम राजयोग सीख रहे हैं ये क्या हुआ ये मुरली में बाबा ने बताया है कि जाति जाति के मनुष्यों से कन्याएं संदली पर बैठ करके आंख लड़ाएं उसे राजयोग कहा जाता है मुरली में बताया है मुरली में तो इसका विरोध किया है तुम बच्चे ऐसे थोड़े ही करेंगे यही आंखों का व्यभिचार है जैसे आंखों का व्यभिचार होता है आंखें मिलाना ऐसे ही और इंद्रियां भी मिलाई जाती हैं स्त्री पुरुष मिलकर के और इंद्रियां भी अगर मिलाते हैं जाति जाति के पुरुषों से जाति जाति की स्त्रियों से तो वो क्या हुआ बेविचार हुआ साकार में राज्य कब सीखे साकार में राज्य कब सीखे साकार में राज्य कब सिखाएंगे साकार में राजयोग क्या है बड़ा चिंतन चलता है साकार ये आंखें साकार नहीं है, है? ये आंखें भी साकार हैं ऐसे नहीं कि भ्रष्ट इंद्रियां ही साकार हैं ये आंखें भी साकार हैं इन आंखों से ऊंचते ऊंच बाप को पहचान करके बाप का संग करना आंखों से वो है राजयोग औरों का संग करना वो है व्यभिचार और बाबा
में था कि यही तुम्हारा अंतिम जन्म है। हाँ? मुरली में था कि यही तुम्हारा अंतिम जन्म है। हाँ, तुम्हारा अंतिम जन्म है, लेकिन जो शरीर वो अभी छोड़ के गए हैं। हाँ, उनसे बाबा ने तुम कहा ही नहीं। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि बाबा ने उनसे तुम कहा? बाबा तो इमर्ज करके बच्चों से बात करते हैं। सबसे तुम कहते हैं ये सब 84 जन्म लेने वाले हैं या कोई कोई है? कोई कोई है। जिनसे बाप ने कहा वो तुम बच्चे 84 जन्म लेने वाले हैं, और जो 84 जन्म लेने वाले होंगे उनमें भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे। वो तो संस्कार ही खत्म करेंगे। अगर एक ही भी भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाता है 100% तो शरीर छोड़ना पड़ता है। वो तो रावण के बच्चे हो गए। और ब्रह्मा ब्राह्मणों ने सबसे जास्ती भक्ति की। ड्रामा में जिसने ज्यादा भक्ति की, एक आदमी बोलो। ड्रामा ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, बाप कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। किसके बंधन में? ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो ड्रामा ज्यादा शक्तिशाली हुआ या निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु ज्यादा शक्तिशाली हुआ? है, ड्रामा शक्तिशाली हुआ। और शक्तिशाली चैतन्य आत्मा होती है या जड़ ड्रामा होता है? ड्रामा है समय चक्र का नाम। ड्रामा किसका नाम है? समय चक्र का नाम ड्रामा है। जो समय है वो जड़ है या चैतन्य है? है, जड़ है। और शिव ज्योति बिंदु परम धाम में है तो जड़बत है या चैतन्य है? हो ही जड़बत। तो ड्रामा जो सर्वशक्तिवान है, जो बाप को भी बंधन में बांध लेता है, उसको कहेंगे महाकाल। साधारण काल नहीं है। साधारण काल तो परिवर्तन होता ही रहता है। सामान्य रूप से सत्युग से त्रेता आता है, त्रेता से द्वापर आता है, द्वापर से कलयुग आता है। ये तो सामान्य रूप से चक्र फिरता है। फिरता है कि नहीं है? फिरता है। लेकिन इस सृष्टि रूपी चक्र का रचयिता कुम्हार है। कुमार लोग आजकल अपने को क्या टाइटल देते हैं? अरे यहां कोई कुमार नहीं बैठा है, हैं? प्रजापति नहीं मालूम है? कुमार अपने को टाइटल देते हैं प्रजापति। कुमार का काम क्या होता है? डंडा पकड़ा और चक्का घूमने लगा, छोड़ देते हैं डंडा लगा के। तो षष्ठी रूपी पहिए का भी कुम्हार प्रजापिता है जो ये चक्का घुमाता है, वो है महाकाल। उस महाकाल के बंधन में वो निराकार ज्योति बिंदु आकर के बंधता है या नहीं बंधता है? है, वो भी बंध जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं।
चार पांच चित्र है ना अपने मुख्य, उनमें कौन सा चित्र हर जगह बड़ी बड़ी जगह पे लगाने के लिए बोला है? वो ही ड्रामा का चित्र, वो ही चक्र, जगह जगह लगा दो। उस ड्रामा के चक्के को घुमाने वाला ही महाकाल है, वो सामान्य काल नहीं है, स्पेशल है, जो समय की गति को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। कितने वर्ष के लिए? 5000 साल के लिए। एक बार ज्ञान का डंडा लगाता है और षष्ठी रूपी चक्र 5000 साल तक घूमता ही रहता है। हाँ, हाँ, इतनी धीरे से बोलोगे हम तो मोबाइल सुनते सुनते बहरे हो गए। बोलो क्या बोला? कुछ बोल, इन्होंने भी नहीं सुन पाया। भाई बोलते हैं कि इस परिवार में ज्ञान में नहीं चलते हैं, जितना कोशिश करते हैं नहीं चलते हैं, वो क्या करेंगे? ज्ञान में नहीं चलते हैं परिवार वाले, चलते हैं तो क्या करेंगे? हाँ, परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते तो क्या हुआ? वो प्रजा वर्ग में आने वाले, तुम तो राजा बनने वाले हो। राजा प्रजा को कंट्रोल करता है या प्रजा राजा को कंट्रोल करती है? तुम राजा हो, तुम उनको कंट्रोल करके दिखाओ। तुमको तो बड़ा पार्ट मिला हुआ है, रोते काहे के लिए? हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते। और भक्ति मार्ग में जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं को पूजा करते हैं, देवी देवताओं, देवी देवता। हाँ, उनका थोड़ा थोड़ा तो प्राप्ति होता है, उनका रहना थोड़ा थोड़ा प्राप्ति होता है, वो जो दर्शन होता है, थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है, दर्शन होता है, हाँ। प्राप्ति भी होता है, साक्षात्कार होता है, प्राप्ति होता है, प्राप्ति 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 होता है, उनका रहस्य क्या है? वो तो मानते हैं सब, वो तो भावना जहाँ बैठाई होगी वहाँ कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं हनुमान की पूजा करते हैं तो हनुमान के रूप में साक्षात्कार करा देता हूँ, गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश के रूप में साक्षात्कार करा देता हूँ। कोई भी देवी देवता के रूप में पूजा करेंगे तो उनको वो साक्षात्कार हो जाता है, प्राप्ति भी हो जाती है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदा काल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बाबा, मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में से हाथ उठाओ। हाँ, मनुष्य शरीर से कौन बात बोलता है या मतलब क्या है? ए, कन्या ने भी नहीं सुन पाया। बोलो बोलो। मनुष्य से पहले तो जड़ा था है, मनुष्य शरीर बच्चा से पहले जड़ा था, मनुष्य पहले जड़ था, मनुष्य जड़ था। अच्छा, गर्भ में बच्चा जब जन्म लेता है तो जब चार महीने तक का होता है तो जड़ पिंड होता है, ठीक है? और हाँ, और आगे कौन बात कैसे बोलता है, कौन बुलाता है? तो बात कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं? जो जड़ पिंड होता है वो बात करता है, जन्म लेने से बात कैसे करता है, जन्म लेने के बाद बात कैसे करता है? अरे, चार महीने तक जड़ पिंड रहता है, उसके बाद उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा प्रवेश करेगी तो हलन चलन करेगा कि नहीं?
अम्मा को भी पता चलता है, घर में पूछना बाल बच्चे वाले हो तो अंदर में है अंदर में कौन बात बोल आत्मा 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 हाँ आत्मा कोई प्रवेश कर जाती है और वो अंदर अंदर हलन चलन करती है तो माँ को महसूस होता है कि हाँ आत्मा ने प्रवेश किया। हाँ वो महसूसता चार पांच महीने के बाद होती है। बाबा सतयुग में है हाँ। सतयुग में बच्चा पैदा हुआ होंगे कैसे दबेगा जैसे जन्म नहीं थी है सतयुग में बच्चा पैदा होगी हाँ कैसे चलेगी कैसे क्या क्या वो गाय का बच्चा पैदा होते ही कैसे उछलता है देखा कि नहीं नहीं देखा ऐसे ही वहाँ सतो प्रधान बच्चे पैदा होंगे और पैदा होते ही उछलने कूदने बोलने भी लगेंगे उनको सिखाने की दरकार नहीं पड़ेगी पालना में दो चार साल पालने की दरकार नहीं पड़ेगी सत्य में भाषा कौन सी है भाषा कौन सी सत्य में भाषा कौन सी होगी सत्य में भाषा 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 इशारे की भाषा बाप तुमको सिखा रहे हैं कि नहीं हैं बाप की भाषा किस तरह की है इस समय बाप की इशारे की भाषा है जो देव आत्माएं हैं वो इशारे की भाषा समझ लेती हैं और उन बातों पर चल पड़ती हैं जो आसुरी आत्माएं हैं हम बच्चों के बीच में वो बाप की इशारे की भाषा नहीं समझते और नहीं चलते तो जब यहीं इशारे की भाषा का फाउंडेशन डाल दिया तो सतयुग में कौन सी भाषा होगी इशारे की मुख्य भाषा होगी और थोड़ा बहुत बोलेंगे वो हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी क्योंकि भगवान की भाषा कौन सी है हिंदी है हाँ तो हमारे यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में तो वहाँ विदेशी विदर्भियों को अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है हाँ जो जगन्नाथ है वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है या अपूर्ण स्टेज की यादगार है हाँ तो जब संपूर्ण स्टेज में बाप प्रत्यक्ष होगा संसार के सामने कालों का काल महाकाल काला भुजंग एकदम तमो प्रधान सारी दुनिया का विनाश करेगा कि थोड़े बहुत का करेगा सारी दुनिया को खलास करेगा तो विकराल रूपधारी होगा या साधारण रूप होगा विकराल रूप होगा उसको विदेशी पहचानते हैं क्या है बाप का जो आखिरी रूप होगा कितना भयंकर होगा ये स्वदेशी पहचानेंगे पहले या विदेशी पहले पहचानेंगे स्वदेशी पहले पहचानते हैं विदेशी नहीं पहचानते हैं अगर पहचाने तो एटम बमों की ताकत न दिखाएं बाप की ग्लानी न करें और बाबा जब आत्मा में जो संस्कार आते हैं तो उसका सिस्टम कैसे रिकॉर्ड होता है वो चीज संस्कार कैसे चलते आत्मा में जब संस्कार आते हैं अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं पता नहीं चलता कैसे आ रहे हैं जैसे अभी संगम युग में रिकॉर्ड भरने का टाइम चल रहा है अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार अभी आत्मा में 84 जन्मों के भर रहे हैं श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो अच्छे संस्कार भरते हैं वो अच्छे संस्कार सतयुग त्रेता में भी काम करेंगे ही लेकिन द्वापर कलयुग में भी वो अच्छे संस्कार काम करेंगे और अभी जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं उसे कैसे संस्कार भरते हैं बुरे संस्कार भरते हैं
वो बुरे संस्कार द्वापर युग से प्रज्वलित तो हो जाएंगे और अभी भी अनुभव होता है कि हमने बुरा संस्कार बना लिया। दिल खाती है, दिल दर्पण बन जाता है कि हमने ये बुरा काम किया श्रीमत के बरखिलाफ, क्योंकि 100 गुना बोझ चढ़ता है। दुनिया में कोई बुरा काम करता है तो 1 गुना बोझ चढ़ता है, तो भी फील करता है कि हमने बुरा काम किया। और अभी तो यहां है कितना बोझ चढ़ता है, 100 गुना बोझ चढ़ता है आत्मा पर, तो फील नहीं होता है, है? ज्यादा फील होगा या कम फील होगा? ज्यादा फीलिंग आती है अंदर ही अंदर, दिन दूनी रात चौगुनी फीलिंग बढ़ती जाती है। अगर पाप कर्म किया और बाप से छुपाया तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट में, दुनिया के सामने चेहरा प्रत्यक्ष हो जाएगा कि देखो इन्होंने ये पाप किया था और छुपाया और बताया ही नहीं। कोई की छुपी हुई नहीं रहेगी कोई बात। सबका असली चेहरा सामने आ जाएगा। और जब जगदम्बा का महाकाली का पाठ करता है उस समय बाबा मर जाता है। हाँ वही बात है, जब महाकाली का पाठ चलता है तो जगत पिता रहता है या मर जाता है? क्या बोला? अरे पाठ नहीं माने मर गया, पाठ है माने जिंदा है। हाँ गुप्त हो सकता है। हाँ। और पुरानी कहावत है हमारा जो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम केंद्रापड़ा रखा गया है। वो कहावत है कि बलभद्र में कमलासुर नाम के एक राक्षस था जो उनको वध करके उनका नाम केंद्रापड़ा रखा और वहां को तुलसी क्षेत्र नाम से नामित किया गया है। उसका अर्थ क्या है? क्या 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 कथा बताई? अरे टीवी में ढेर सारी कथाएं आती हैं, आजकल मुरली कम सुनते हैं टीवी ज्यादा देखते हैं। हाँ तो क्या कथा बताई? केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में गंजम केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो नाम इसलिए बड़ा है कि बलभद्र ने एक केंद्रासुर राक्षस को मारा था। ठीक है तो उसका नाम तुलसी क्षेत्र देते हैं। क्या नाम देते हैं? तुलसी चक्र, तुलसी क्षेत्र। हाँ तुलसी क्षेत्र। हाँ तुलसी क्षेत्र का अर्थ क्या है? हाँ जो राक्षस मारा गया उसका नाम क्या बताया? चंद्रासुर। चंद्रासुर केंद्रासुर। अरे केंद्र असुर या चंद्रासुर? केंद्र। हाँ उसका नाम बताया केंद्रासुर। जो रोलाने वाला है, जो रोलाने वाला असुर है उनको केंद्रासुर। वो चंद्रासुर बता रहे रुलाने वाला असुर है वो केंद्रासुर है। केंद्रासुर। हाँ हाँ उसका नाम है कंद्रासुर।
कंदरा कहते हैं गुफा को, क्या कहते हैं? गुफा। गुफा में अंधेरा होता है या उजेला होता है? अंधेरा होता है। जो अंधेरा गुफा का असुर होगा वो भक्ति मार्ग का मुखिया होगा या ज्ञान मार्ग का मुखिया होगा? है, वो पैदा ही होता है गुफा से, गुफा में ही रहता है, गुफा में ही पलता है। वो अज्ञानता की गुफा है। उस राक्षस को किसने मारा? बलभद्र ने मारा। अब बलभद्र वाली आत्मा कौन है? बलभद्र है ब्रह्मा। वो बलभद्र है ब्रह्मा की आत्मा, उसका गायन हो गया कंदरासुर को मारने वाला। ब्रह्मा वाली आत्मा कंदरासुर को मारती है, माने अज्ञान अंधकार को मार देती है। उसकी यादगार में वो केंद्र पाड़ा बना, केंद्रा पाड़ा। वो कंदरा पाड़ा होना चाहिए, केंद्रा पाड़ा क्यों है? केंद्रा हो गया। अच्छा, पुरी को श्री क्षेत्र कहा जाता है? पुरी को श्री क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ जगन्नाथ का पूजा होता है, और वो केंद्रा पाड़ा को तुलसी क्षेत्र कहा जाता है। तुलसी क्षेत्र है? हाँ, जो तुलसी है उसका गायन क्या है? भगवान को जब भोग लगाते हैं तो पहले पहले किसका भोग लगाते हैं? है, तुलसी का भोग लगाते हैं। तो तुलसी या तो घर में रहती है आंगन में, या तो कहाँ रहती है? जंगल में रहती है। जंगल में रहने वाली को भी तुलसी कहा जाता है, और आंगन में बैठने वाले को भी तुलसी कहा जाता है। ये दोनों बातें अच्छी हैं या खराब हैं? है, अच्छी है। आंगन में बैठती है दासी, और जंगल में बैठते हैं सन्यासी। दोनों बातें खराब हैं। वो क्षेत्र ही ऐसा है जिसका नाम केंद्रा पाड़ा पड़ गया, वहीं से पैदाइश होती है अज्ञान अंधकार की। वो अज्ञान अंधकार की गुफा है। कहां गौरी और कहां कहां काली? काली कब बनती है? काली क्या करती है? अरे काली कुछ करती है कि नहीं? राजाओं का संहार करती है, असुरों का संहार करती है। जो असुर संहारिणी है, असुरों का संहार करने वाली, वो संहार का काम करने वाली पवित्र होती है या अपवित्र व्यभिचारिणी होती है? क्या होती है? काले मुंह वाली होती है या गोरे मुंह वाली होती है? काले मुंह वाली होती है। तो अंधकार की गुफा है। बाबा, हाँ, जो त्रिमूर्ति का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र, हाँ जी, वो जो विष्णु और शंकर का संकल्प वाला चित्र है, वो जो ब्रह्मा बाबू का दादा लेखराज का चित्र चेंज नहीं किया है? जो बाबा ब्रह्मा बाबा का चित्र है, हाँ, इसीलिए सेवा के तकलीफ के है, सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा का चित्र है लेखराज बाबा का? ब्रह्मा का चित्र है क्या? दादा लेखराज का चित्र दिखाया है, शंकर और विष्णु का भक्ति मार्ग का चित्र दिखाया ना? शंकर और विष्णु का भक्ति मार्ग का चित्र दिखाया है, क्योंकि वो पार्टी क्लियर नहीं है। जिस समय ब्रह्मा का चित्र बनाया गया वो पार्ट डिक्लेयर कर दिया या गुप्त था?
डिक्लेरेशन हो गया ना मुरली में कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ, मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है, तो प्रत्यक्ष बात हो गई। विष्णु का जो पार्ट है वो प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर असली कैसे रखा जाएगा? इसलिए ब्रह्मा का असली चित्र डाल दिया और विष्णु और शंकर का असली नहीं है, भक्ति मार्ग का ही चित्र दिया हुआ है। बाबा हाँ, वो भुवनेश्वर का बेहद अर्थ क्या है? भुवन भुवनेश्वर, भुवन ईश्वर, भुवन माने त्रिभुवन तीन लोक, और ईश्वर माने ईश्वर। त्रिलोकीनाथ का जो अर्थ है वही भुवनेश्वर का अर्थ है। और रुको, हाँ, अरे कोई माता बोल रही, बोलने दो ना, भाई नहीं बोलो, माता बोलेगी पहले। अब बोलो बाबा, तो जुगल मेरा बेटा हाँ में चल रहा है और भर्ती कर लिया है। हाँ, तो आज से गीता पाठ चला चलेगी ना बाबा? हाँ, शादीशुदा है? नहीं, बेटा 15 साल का। अरे गीता पाठशाला माने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना। हमारा लक्ष्य क्या है ज्ञान का? हमारे ज्ञान में चलने का लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो घर को क्या बनाना है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है। और गीता पाठशाला चलाने वाला खुद ही नहीं बाबा, भर्ती कर लिया। भर्ती करने से क्या युगल हो जाता है? युगल में ज्ञान में चल रहा है। 15 साल के बच्चे की युगल भी आ गई? हाँ हाँ, अच्छा पढ़ता है। तुम माने माता पिता दोनों भर्ती कर चुके हैं? हाँ, तो उससे लड़के से क्या कनेक्शन? लड़का चलता हो न चलता हो, भट्टी की हो न की हो, आप दोनों चाहें तो गीता पाठशाला खोल सकते हैं। तो भाई लोग बोलते हैं भट्टी करने वाले पांच पति नहीं है, पांच आत्मा नहीं है और भट्टी नहीं किया तो? हाँ, तो पांच आत्माओं को चला लो ज्ञान में, ज्ञान सुना करके। 15 चल रहे हैं तो गीता पाठशाला तो पक्की हो ही जाएगी। कोई कुछ कहता है तो उसे कहने दो। हाँ मंद बुद्धि संस्कार, मन जो सोचता विचारता है उसको कहते हैं मन। बुद्धि जो फैसला करती है, तुमने कुछ सोचा विचारा, अरे ये काम करें कि न करें, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, ये हो गया संकल्प। आपने संकल्प किया हाँ या ना का, अच्छा या बुरा, फिर आपने फैसला कर दिया नहीं ये ही करना है। ये फैसला करना बुद्धि का काम है। अच्छा, और जो अच्छा बुरा कर्म किया उसका जो असर बैठ गया, अच्छा कर्म किया उसका असर बुरा बैठ गया, अच्छा कर्म किया तो अच्छा असर बैठ गया और बुरा कर्म किया तो बुरा असर बैठ गया दिल के अंदर, वो ही संस्कार है। वो ही कर्म बार बार करेंगे तो वो संस्कार पक्का होता जाएगा। मान लो किसी ने उकसाया, बड़ी धन संपत्ति उसके घर में है, चुरा लो चल के, तो सोचा चुराएं या न चुराएं, चुराएंगे तो पकड़े जाएंगे, अच्छा चुरा लें हिम्मत करके हम गायब हो जाएंगे, अच्छा हाँ चुरा लो, तो बार बार जाकर के अगर चोरी करेंगे दूसरों की तो वो चोरी का संस्कार क्या होता जाएगा? पक्का होता जाएगा। तीनों काम हो गए, मन बुद्धि ने
क्या काम किया? मन ने काम किया सोचने विकारने का, और बुद्धि ने फैसला कर दिया यही करना है, अच्छा या बुरा करना है, और फिर उसका जो दिल के अंदर असर बैठ गया, प्रभाव, वो ही संस्कार बन गया। वो संस्कार अगर वो अच्छा या बुरा कर्म बार बार करेंगे तो संस्कार पक्का होता जाएगा। जब संस्कार पक्का हो जाता है फिर आदमी सोचना विचारना बंद कर देता है। सूर्य मंदिर हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर में तो सूर्य मंदिर को 1200 कारीगर बनाया था। 1200 कारीगर मिल की बनाया था। 1200 कारीगर मिल की बनाया तो उसका वृद्धि बना नहीं पाया। हाँ, उसका मूर्ति जो 12 साल का लड़का बनाया, जो मूर्ति मारा 12 साल का लड़का, इसका मतलब क्या है? 1200 कारीगर तो नहीं बना पाया, तो 12 साल का लड़का कैसे बनाया, इसका मतलब क्या है? हाँ, जो सूर्य का मंदिर है वो ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला ही बनाएगा या कोई दूसरा बनाएगा? है? जो ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होगा वो ही मंदिर बनाएगा। और ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष कब होता है? 76 में। वो 76 में अपने लिए प्रत्यक्ष होता है या ढेर के ढेर ब्राह्मणों के लिए प्रत्यक्ष होता है? हैं? अपने लिए प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन सारे दक्षिण भारत के लोगों के सामने प्रत्यक्ष जब होता है तो 12 साल पूरे हो जाते हैं, तब लोग समझ लेते हैं कि ये राम की आत्मा है, सूर्यवंशी आत्मा है। वो 12 साल लग जाते हैं उसे राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने में, सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होने में। इसलिए 12 साल का भक्ति मार्ग में कोई बच्चा हुआ, उसने बनाया तो बन गया। और मथुरा नाम दिया है मथ, दही को मथते हैं कि नहीं है? नहीं मथते हैं, है? दही को मथा जाता है तो छाछ बन जाती है। और कृष्ण क्या खाता था? मक्खन खाता था, मक्खन जमा हुआ खाता था या पिघला हुआ खाता था? है? जमा हुआ मक्खन खाता था। और हद का मक्खन खाता होगा या बेहद का मक्खन खाता था? तो जो बेहद का मक्खन जब खाता है तो उसके लिए उर कहते हैं जांग को। वो जांग को जितना मथा जाता है उतना उसमें से मक्खन तैयार हो जाता है। वो मथा तो नाम पड़ गया। क्या मथा? उरा। उरा माने, उरा माने जांग। जांग को जितना मथा तो नाम पड़ गया मथुरा। कहां की बात है? अरे कहां की बात है? संगमयुगी की बात है। जरूर संगमयुगी कृष्ण की ही बात होगी। दुनिया वाले तो इतना काम नहीं कर सकते। जो मथुरा नाम ही पड़ जाए, काम के आधार पर नाम पड़ता है या ऐसे ही नाम पड़ जाता है? काम किया तो नाम पड़ा मथुरा। कहां जन्म हुआ? है? मथुरा में जन्म हुआ। माना वो ही आत्माएं प्रत्यक्ष करती हैं, दूसरी आत्माएं उसे प्रत्यक्ष नहीं कर पाती।
जिनके संसर्ग संपर्क में ज्यादा आया है वो ही प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। दूसरी आत्माएं प्रत्यक्ष करने के निमित्त नहीं बन पाती। और जो माँ बाप को बुलाया है लेकिन जो गायन है इसका संगम पर किस रात क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। हाँ अच्छा माँ बाप ये ब्रह्मा सरस्वती बाप को न पहचानने वाले अंधे थे या सोझरे थे? अंधे थे। फिर उनकी जिम्मेवारी किसने ली? तीर्थ कराने की। तीर्थ माने तीर माने किनारा, थ माने स्थान। उनकी बुद्धि को एक ठिकाने एक किनारे लगाने का काम किसने किया? राम वाली आत्मा ने किया। तो वो राम वाली आत्मा को वो जिम्मेवारी मिल गई। जिम्मेवारी मिली तो उसको कहते हैं कंधे पर रख लिया। अरे इस काम की जिम्मेवारी तुम्हारे कंधे पर है तो उसको कांवड़ के रूप में दिखा दिया है। आगे मां को रखा और पीछे बाप को रखा। पहले मां प्रत्यक्ष होती है, छोटी मां, उसमें कौन प्रवेश करता है? अरे छोटी मां में कौन प्रवेश करता है? छोटी मां कौन है? छोटी मां ओम राधे। तो वो छोटी मां बाप को पहचानने वाली है या न पहचानने वाली? आंख की अंधी है, है? अंधी है। ब्रह्मा भी ऐसे ही है, कभी पहचानता है तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है, एडवांस की सेवा भी करता है। हम बच्चे समझते हैं हमने सेवा की, सेवा बाप दादा करते हैं। रामकृष्ण की आत्मा सेवा करती है, शिव बाप की आत्मा सेवा करती है या हम बच्चे करते हैं? कौन करता है सेवा? है बाप दादा सेवा करते हैं। तो वो सेवा का काम अंधे मां बाप को तीर्थ ले जाने का वो अभी चल रहा है। सारे भारत में भ्रमण किया या कोई एक तीर्थ में भ्रमण कराया? सारे भारत में भ्रमण कराया। और एक मिनट, हाँ गीता तो गोटे शास्त्र किंतु गीता शास्त्र गीता शास्त्र कन्या मान को नाम गीता शास्त्र। अरे तुमने तो समझ लिया होगा ये क्या कहना चाहती है। हाँ गीता है। कन्या का नाम अभी गीता क्यों? कन्या का नाम गीता क्यों? गीता स्त्रीलिंग नाम है या पुल्लिंग नाम है? तो स्त्रीलिंग कन्या होती है कि नहीं? तो उसका नाम है गीता। गीता माने जिसका गायन भगवान ने किया, उसका गायन किसने किया? भगवान ने किया। दुनिया ब्रह्मा की बदनामी करती है ज्यादा या सरनामी करती है? क्या करती है? दुनिया तो ब्रह्मा की बदनामी करती है और ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा की बदनामी के निमित्त ज्यादा बनते हैं या सरनाम करने के निमित्त बनते हैं? सरनाम करते हैं। फिर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ये बेसिक के ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे काम करते हैं जिससे ब्रह्मा का नाम बाला हो? कर रहे हैं? हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा का दुनिया नाम बदनाम करती है। सबसे जास्ती बदनामी होती है शिव बाबा की, उसके बाद ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा की दुनिया बदनामी करती है और शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा का नाम
रोशन करते हैं, उसका गायन करते हैं। वो ही ब्रह्मा की सोल कोई माता में प्रवेश करती है और प्रवेश करके उसके द्वारा परिवर्तन का कार्य कराते हैं। असुरों का विनाश होता है और देवात्माओं का उद्धार होता है। ये काम बाप करते हैं, तो जो काम करते हैं उस काम के आधार पर नाम पड़ता है गीता। क्या काम किया उसने जो गीता नाम पड़ा है? अरे गीत क्यों गाया गया? कुछ गायन का काम किया कि नहीं किया? दुनिया को नहीं पता कि गायन का क्या काम किया। भगवान बाप जानते हैं कि उसने क्या गायन का काम किया। और दो गीताएं हैं, एक झूठी गीता और एक सच्ची गीता। दोनों का गायन है, एक नंबर वन और एक नंबर दो। और हाँ, जो कुमार है वो चौके के आदमी क्या है? अभी जो कुमार है वो चौके के आदमी क्या क्या थे? अभी कुमार है जो कुमार है क्या? अरे कुमारों की बात तो क्या कर रहे हो? सिर्फ कुमारों की बात नहीं है, यहाँ जो भी कुमार या अधर कुमार बैठे हुए हैं क्या, और 60-70 साल से उनकी उम्र कम है, वो सब यज्ञ के आदि में थे, तभी उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान बैठ रहा है। अगर आदि में न होते तो बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। वो बुढ़ी बुढ़ी दीदी दादियां दादाएं, उनकी बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं बैठ रहा है। क्या कारण है? तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तुम पूर्व जन्म से अपने ब्राह्मणत्व का संस्कार लेकर के आए हो। जो 1932 में जो जन्म हुआ उसका है, 1932 में जिसका पैदाइश हुआ वो ज्ञान में चल रहा है। वो बाई चांस अगर कोई चल रहे हैं तो इससे साबित होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में राम वाली आत्मा का ज्यादा संग किया है, इसलिए उनकी बात को जल्दी समझ लेते हैं, भले यज्ञ में नहीं आए। और बाबा हमारा गूगल एक में कोर्स किया, फिर एक महीने क्लास किया, फिर अभी ज्ञान नहीं समझ पाया, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अमृत बेले उठ करके आधा घंटा उनको सच लाइट दो, बहुत प्यार है तो कुछ करके दिखाओ ना। और हम अभी जो कुमार है चौके के आदमी में कुमार थे क्या उधर कुमार? ये भी कोई बात हुई? कुमार भी हो सकते हैं, अधर कुमार भी हो सकते हैं। हाँ सृष्टि विनाश होने वाली है तो तुमको ज्ञान सुनने के लिए जगह चाहिए कि नहीं है? तुम्हें सृष्टि विनाश होती दिखाई दे रही है लेकिन तुम्हें भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान को देखना है, है? पहचानना है, उसकी गोद में खेलना है, खेलना है कि नहीं? अब तो जगह नहीं चाहिए है? बिना जगह के खेल लेंगे? बिना जगह के आकाश में उड़ेगा क्या भगवान? बैठो। हाँ, ये तो है। ओम शांति।